साहब, ये मेरी बेटी ये अकेला बहुत खेलती है और जब जिद करती है तो बहुत ज़्यादा, और मैं इसे मारती हूँ ना जब, तो ऐसा लगता है जैसे इसे लग ही नहीं रही, कहीं पे भी नहीं इसे जैसे वो लग मार निकाल दे नहीं, जैसे ये दम भाई तंग करती है कभी हल्का फुल्का। करो, उसी वक्त आए तो कुर्सी पढ़ो, हाँ इसके मुंह में थूक दो, अच्छा, मुंह में थूको इसके, सच्ची इसको मुचीदा थूक पा। अकेला रहना बहुत पसंद है आप सर। सुनो ना, मैं इलाज बता रहा हाँ हूं ना, जब ये जिद करे हाँ आयतुल कुर्सी पढ़ के इसके मुंह में थूको, और इसकी कमर पर 3 बार ना हल्का हल्का सेंटर में, यानी कि हिप से ऊपर अच्छा ऐसे ही। आप पंजाबी में कहो निकल निकल निकल, अरबी में तो है ना उखरिज 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 अच्छा अदू अल्लाह, निकल निकल अल्लाह के दुश्मन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अच्छा ना जी। तो तुम पंजाबी में, तुम्हारा जिन पंजाबी समझता है अरबी तो नहीं समझता, उनको निकल 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 अल्लाह दिया दुश्मना, अल्लाह ठीक कर देगा, ये है नबी का तरीका। हाँ अब मुझे बताएं ना, और क्या अल्लाह के नबी बता कर जाए हमें, हमने ये छोड़े हुए हैं सारे तरीके। नहीं जी मौलवी साहब कोई देव तबीज, अब बदबख्त तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान बिल्कुल नकारा नऊजुबिल्ला तुमने कर दिया, और एक छोटा सी तावीज लेकर घर में रख लिया, बरकत के लिए रख लो इसको, तो कुरान की बरकत किधर, वो 30 सपारे 6,666 आयतें वो किधर गई, उसकी बरकत कोई नहीं, जिसने 786 लिख के दे दिया तुम्हें बरकत आ गई। ये है हमारा हमारा ईमान अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पर गुमान हमारा कम कर दिया। और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम।